हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। इस पीवाईक्यू केस स्टडी सीरीज में आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 12th क्वेश्चन 2015 का। ओके, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा और बड़ा ही मजेदार है, आप देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर इज अ डिजास्टर प्रोन स्टेट हैविंग फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड एंड अर्थक्वेक एटसेट्रा। सम ऑफ दीज आर सीजनल एंड ऑफन अनप्रिडिक्टेबल। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर इज ऑलवेज अनएंटिसिपेटेड। अब ये मोस्ट प्रोबेबली कोई हिली स्टेट ही होगा, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, या कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि वहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओके, ड्यूरिंग वन ऑफ द सीजन अ क्लाउड बर्स्ट कॉज अ डिवास्टेटिंग फ्लड एंड लैंडस्लाइड लीडिंग टू हाई कैजुअलिटीज। देयर वाज अ मेजर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिजेस, पावर जनरेटिंग यूनिट। काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। दिस लेड टू मोर देन 1 लाख पिलग्रीम्स, टूरिस्ट एंड अदर लोकल ट्रैप्ड अक्रॉस डिफरेंट रूट्स एंड लोकेशन। ओके, अराउंड 1 लाख है जो पिलग्रिम्स है, टूरिस्ट है, जो लोकल है, अलग अलग रूट पे, अलग अलग लोकेशन पे फंसे हुए हैं। और रिमेंबर, जो रोड है, ब्रिज है, वो डैमेज हो चुके हैं। द पीपल ट्रैप्ड इन योर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड सीनियर सिटीजन, पेशेंट इन हॉस्पिटल, वुमेन एंड चिल्ड्रन, हाइकर एंड टूरिस्ट, रूलिंग पार्टी, रीजनल प्रेजिडेंट अलोंग विद हिज फैमिली, एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द नेबरिंग स्टेट, एंड फाइनली प्रिजनर इन जेल। ये अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग लोकेशन पे फंसे हैं, और इसमें स्पेसिफिक उन्होंने बोला है कौन क्या है। कोई सीनियर सिटीजन है, कोई वुमेन एंड चिल्ड्रन है, टूरिस्ट है, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। अब क्वेश्चन क्या पूछे वो देखते हैं। एज अ सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द स्टेट, व्हाट वुड बी द ऑर्डर इन विच यू वुड रेस्क्यू दीज पीपल एंड वाई गिव जस्टिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। किसको आप पहले बचाओगे, किस ऑर्डर में बचाओगे, क्या क्रोनोलॉजी रहेगी, आपको वो बताना है, और साथ में रीजन भी देना है, भाई हम इनको पहले क्यों बचा रहे हैं और इनको बाद में क्यों बचा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस ऑर्डर में सबसे पहले हम रेस्क्यू करने वाले पेशेंट इन हॉस्पिटल। साथ ही साथ आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल वहां पे डॉक्टर और नर्सेज भी होंगी, तो ये चीज लिख देना कि हमें उनको रेस्क्यू करना है। अब बात आ जाता है रीजन की, जस्टिफिकेशन की, हम पेशेंट को क्यों रेस्क्यू करेंगे। रीजन इज सिंपल, क्योंकि उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए। मेडिकल अटेंशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट होगा वो किसी ना किसी रीजन से आया होगा, बीमार होगा, फिट नहीं होगा, फिजिकली भी कह सकते हो, जैसे मर्जी भी कह सकते हैं, शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को बुखार हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम उनको रेस्क्यू करेंगे। नेक्स्ट इस ऑर्डर में आएगा वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसका क्या रीजन है, चिल्ड्रन वल्नरेबल है, बच्चे, उनको बचाना हमारी प्रायोरिटी बनती है, लेकिन साथ में साथ वुमेन भी लिखा है। इसका मैं आपको दो रीजन देता हूँ। पहला, इंडिया में सेक्स रेशो कम है, स्कार्सिटी प्रिंसिपल, भाई वुमेन को बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरा रीजन सर ये है कि जो बच्चा है, बेबी है, उसको बनाने के लिए एग स्पर्म चाहिए। एग वुमेन प्रोवाइड करती है, स्पर्म मैन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उसको एक वूम्ब है जो कैरी करती है, वो वुमेन ही करती है, वो मैन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रीजन इसलिए है कि वुमेन और चिल्ड्रन को हम बचाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन क्योंकि वो बूढ़े फिजिकली अब उतने एक्टिव नहीं है, जिस हिसाब से भी आप समझ सकते हो, कोई चल पा रहा होगा, कोई नहीं चल पा रहा होगा, तो हमें उनको बचाने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक हल्का सा ट्विस्ट लेके आता हूँ, उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनो। इटली की बात है, कोरोना टाइम की, एक 85 ईयर लोड लेडी वेंटिलेटर पर थी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको पता है कोरोना टाइम बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी और बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से था नहीं। सिमिलरली ऐसे ही कुछ हुआ कि वेंटिलेटर की कमी थी। एक 25 साल का नौजवान आता है, ठीक है, यंग बॉय आता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वेंटिलेटर था नहीं, और अगर वेंटिलेटर था नहीं तो वो मर जाएगा। तो इतने में ये जो एज लेडी है कहती है कि भाई मैंने अपनी लाइफ जी ली है, मैं 85 साल की हूँ, मैंने मोर देन इनफ जी लिया है, ये वेंटिलेटर इसको दे दो। ये सेल्फलेसनेस का एग्जाम्पल है वैसे तो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, सीनियर सिटीजन जो ऑलरेडी अपनी एज जी चुके हैं, क्या हम उनको अवॉइड कर सकते हैं बचाना और बाकियों को बचाओ। ये वे सुनने बड़ा ही अजीब लगेगा, बड़ा ही अपैथी वाली फीलिंग देता है कि भाई आप कितने इंडिफरेंट हो सीनियर सिटीजन को लेकर, कोई सिंपैथी नहीं शो कर रहे हो। लेकिन एक ये रीजन सोचना, ओके, मैं एक्स्ट्रा रीजन दे रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि क्या हम ऐसा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सीनियर सिटीजन हम बचाना नहीं चाहते, बात है अभी प्रायोरिटी की। ओके, वो अपनी लाइफ जी चुके हैं, दूसरी तरफ यंग जनरेशन है जो अभी कुल अभी जीने लाइफ जीनी है। ओके, तो इस चीज को सोचना। नेक्स्ट इज हाइकर एंड टूरिस्ट। ये मैंने इकट्ठा लिखा, अगर मुझे इनको अलग करके लिखना हो और बताना हो भाई टूरिस्ट को पहले बचाओगे या हाइकर को, तो किसको, तो मैं पहले कोशिश करूंगा टूरिस्ट को। ओके, टूरिस्ट
में देखो हाइकर कहीं ना कहीं जो हाइकर होते हैं वो फिट होते हैं फिजिकली, तो शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को बेटर पोजीशन में होंगे अपने आप को रेस्क्यू करने में एज कंपेयर टू टूरिस्ट। ओके, लेकिन मैंने दोनों को साथ ही लिखा है। प्लस टूरिस्ट और हाइकर में कहीं ना कहीं फॉरनर भी होते हैं। ओके, तो प्लस ये एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ जाती है इंडियन गवर्नमेंट की कि भाई हमें फॉरनर को भी बचाना है। ओके, ये हमेशा होता है, कहीं भी जाओगे आप एक कहीं ना और इंडिया में तो एक कल्चर है कि भाई अतिथि देवो भव, हम हमेशा एक एक्स्ट्रा केयर करते हैं जो भी हमारा मेहमान होता है, तो वो भी रीजन है। तो यहाँ पे मैं हाइकर और टूरिस्ट को बचाऊंगा। नेक्स्ट, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं पहले ही, ट्रॉली प्रॉब्लम याद है आपको, वो जो अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना आप, तो इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन है लीवर का कि भाई अगर आप लीवर खींच देते हो, इसको पुल कर देते हो, तो जो ये ट्रॉली है ये मूव कर जाएगी दूसरे ट्रैक पे और यहाँ पे एक डेथ होगी और 5 लोगों को बचा लिया जाएगा। इसी की एप्लीकेशन में यूज करने वाला हूँ, यही ट्रॉली प्रॉब्लम है। ओके, तो नेक्स्ट ऑर्डर में मैं बचाने वाला हूँ प्रिजनर इन चेन्स को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉली प्रॉब्लम, क्योंकि आई बिलीव प्रिजनर ज्यादा होंगे, प्लस यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है, साथ में पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे। ओके, ट्रॉली प्रॉब्लम का सिंपल सा मतलब ये है कि जितने ज्यादा नंबर है हम उस हिसाब से लोगों को बचाएंगे। एक्स्ट्रा रीजन देता हूँ कि भाई प्रिजनर को और क्यों बचा रहे हैं, आप कहोगे सर क्रिमिनल है क्यों बचा रहे हो, सर देखो इंडिया में बहुत सारे अभी भी अंडर ट्रायल है, वो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, एक्यूज नहीं है। ओके, अभी माना गया एलिगेशन है लेकिन पता नहीं उनका ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, तो इस बेसिस पे मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ कि भाई अभी उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। दूसरा, कुछ कन्विक्टेड होंगे, हार्डकोर क्रिमिनल भी हो सकते हैं और इस सिचुएशन का फायदा उठाया जा सकता है। प्लस वो कहीं ना कहीं आप तो शायद इधर उधर मूव कर सकते हो, आप ये सोचो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आप कहीं भाग ही नहीं सकते, ठीक है, तो आपकी वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है, तो ये अलग रीजन है मैं इन लोगों को बचाऊंगा। ओके, आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे और अगर आपको लगता है तो मुझे बता। नेक्स्ट, इस सीरीज में इस ऑर्डर में मैं बचाने वाला हूँ रूलिंग पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज फैमिली, यहाँ अगेन मैं ट्रॉली प्रॉब्लम यूज करने वाला हूँ। अब क्योंकि जो रूलिंग पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट है और उसकी फैमिली, कितने ज्यादा कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 10 लोग होंगे मैक्सिमम मान रहा हूँ, हाँ हो सकता है इसमें बूढ़ा भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, स्टिल जो नंबर है मैं नंबर के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस बार कि भाई 10 से ज्यादा नहीं होंगे, 5-6 हो सकते हैं, 7-8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो जो ऑर्डर है उसमें अब रूलिंग पार्टी रीजन प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज फैमिली में बचाने वाला हूँ। एंड लास्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ नेबरिंग स्टेट, क्योंकि ये अकेला ही बंदा है तो हम इसको बचाएंगे, प्लीज इसको ऊपर मत लिखना, ये कह के भाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है नेबरिंग स्टेट का, बड़ी हाई रैंक पे बंदा है, हम इसको बचाना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी नहीं सर, फिर आप गलत कर रहे हो, सरेआम गलत मैसेज दे रहे हो कि भाई हम कोई हाई रैंक में बंदा है और जो नॉर्मल सिटीजन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं बचाने वाला हूँ आखिरी में सबसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ नेबरिंग स्टेट, क्योंकि एक ही बंदा है, यहाँ पे भी मैं जो जस्टिफिकेशन दूंगा वो ट्रॉली प्रॉब्लम की ही दूंगा, या आप इसको यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। जब मैंने ऑनलाइन आंसर पढ़ा तो रूलिंग पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ऊपर लिखा था, रूलिंग पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट को ऊपर इसलिए लिखा था कि भाई ये लिखा था, जस्टिफिकेशन ये दी थी कि भाई ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा, आई एग्री, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे इसको प्रेफरेंस देना रेस्क्यू में वो गलत है, और लोग नहीं है, लोकल लोग नहीं है जो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, या फिर ये पार्टी का इतना बड़ा मेंबर है कोई गवर्नमेंट से फंड निकलवाएगा, हर चीज स्ट्रीमलाइन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, तो इसको मत लिख रहा। ओके, अब बात आती है कंक्लूजन की, क्या कंक्लूजन लिखना चाहिए, इसके मैं 2 कंक्लूजन लिख सकता हूँ। पहला है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बस ये सब पहले भी होते थे लैंडस्लाइड, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं भाई हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसको कम किया जा सके। और इससे बेटर कंक्लूजन जो मैं कहूंगा, सर ये हमारे सामने एक डिजास्टर हुआ है, इसकी केस स्टडी तैयार की जाए और इसमें ये देखा जाए भाई गवर्नमेंट को क्या क्या चीजों की कमी पड़ी थी, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता होगा तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहें। ओके, तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहे, इसलिए तो इसको भी कंक्लूजन में इस तरह लिखा जा सकता है भाई इसकी एक केस स्टडी प्रिपेयर की जाए, उसका इन फ्यूचर कुछ ऐसी सिमिलर इंसिडेंट होता है तो हम ऑलरेडी तैयार रहें जिन चीज की हमें प्रॉब्लम आई थी, तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन केस अगर आपका कोई डिफरेंट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना और प्लस साथ में रीजन भी देना। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।